एमपी के बैतूल में बड़ा हादसा हुआ है। कार बस के जबरदस्त टक्कर में दो बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। कटर से काटकर निकाले गए शव। हादसा बैतूल अमरावती स्टेट हाईवे पर रात करीब 2 बजे हुआ। यात्री बस और टवेरा कार की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। मृतकों में 6 पुरुष 3 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया और 2 लाख की मुआवजे की घोषणा की। बैतूल में 5 लोगों के शव पहुंचे घर। पुलिस और राजस्व की टीम मौके पर। सड़क हादसे में 11 लोगों की हुई थी मौत। बैतूल सड़क हादसे पर सीएम शिवराज का ट्वीट। ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। कहा, दुख की इस घड़ी में हम परिवार के साथ हैं। बैतूल सड़क हादसे पर पूर्व सीएम कमलनाथ का ट्वीट। ट्वीट कर हादसे पर जताया शोक। कहा, सरकार पीड़ित परिवार हर संभव मदद करे। दमोह में तेज रफ्तार का कहर जारी। सड़क हादसे में 2 पुलिसकर्मियों की मौत। हादसे में 3 घायल 1 हालत गंभीर। भिंड में तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर कुंवारी नदी में गिरा। ट्रक के नीचे ड्राइवर और क्लीनर के दबे होने की आशंका। रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची टीम। रायगढ़ में स्टील प्लांट में हादसा। हादसे में 1 युवक की मौत। कन्वेयर बेल्ट में फंसने से युवक की हुई मौत। कांकेर में पत्नी का खूनी खेल। पति को तारा मौत के घाट। कुल्हाड़ी से पति पर किया हमला। पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। इंदौर में लव जिहाद का मामला सामने आया। मुस्लिम लड़के ने हिंदू बनकर लड़की को फंसाया। शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। भोपाल में पीथमपुर दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रोजगार दिवस और 1 जिला 1 उत्पाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। 21 हेक्टेयर में बनने वाले नवीन औद्योगिक क्षेत्र का करेंगे शिलान्यास। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल का हिमाचल प्रदेश दौरा। हिमाचल में आज से तूफानी प्रचार करेंगे सीएम बघेल। आज नगरोटा में करेंगे आम सभा को संबोधित। भोपाल के कई इलाकों में आज बिजली की कटौती। 25 से अधिक इलाकों में 6 घंटे सप्लाई रहेगी बंद। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक सप्लाई रहेगी बंद। छिंदवाड़ा में कर्ज में डूबे किसान ने की आत्महत्या। सजगांव के 55 वर्षीय किसान रामपथ ने की खुदकुशी। किसान पर करीब 2.5 लाख रुपए का कर्ज था। रायसेन में कृषि उपज मंडी में लगा जाम। मंडी में 500 से 700 ट्रॉली आ रहा धान। दशहरा मैदान में खड़े किए जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली। सारंगढ़ भिलाईगढ़ में देव उठनी एकादशी मनाया जा रहा है। किसान गन्ना लेकर शहर में बिक्री करने पहुंच रहे हैं। सिंगरौली में कोचिंग संचालक की मनमानी। नाबालिग बच्चों को खुलेआम सजा देने का वीडियो वायरल। मेडिकल दुकान के साथ कोचिंग भी चलाता है आरोपी। डिंडौरी कलेक्टर पर अनुसूचित जनजाति समाज के जनप्रतिनिधि ने लगाए छवि भूमि करने के आरोप। FIR दर्ज करवाने डिंडौरी कोतवाली में शिकायत की। रतलाम में नवोदय विद्यालय की 10वीं की छात्रा ने की खुदकुशी। खुदकुशी की वजह का फिलहाल नहीं खुलासा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बलौदा बाजार में हुई महिला की हत्या की गुत्थी। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने सुलझाई। आरोपी को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेजा। बालौद में मिला 1 युवक का शव। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। बलौदा बाजार में आत्मनंद उत्कृष्ट विद्यालय में सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल का वितरण किया गया। जनपद अध्यक्ष सुमन योगेश वर्मा ने 32 छात्राओं को साइकिल वितरित की। मुरैना में टीबी से पीड़ित महिला की मौत। महिला के परिजनों ने ससुराल के पक्ष के लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। बिलासपुर में बाइक सवार 2 युवकों को हाईवे ने मारी टक्कर। 1 युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी।
दमोह में सड़क निर्माण के नाम पर चल रहा धड़ल्ले से अवैध उत्खनन, सूचना के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई करने का दिया आश्वासन। मनेन्द्रगढ़ में नशे में धुत शिक्षक ने स्कूल में जड़ा ताला, शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कटनी में जिला अस्पताल में मिली नवजात बच्ची, जिला अस्पताल के कर्मचारियों की उपस्थिति में नवजात शिशु को गंभीर हालत में छज्जे से उतारकर जिला अस्पताल में किया गया भर्ती, जिला अस्पताल के कैमरे से जांच में जुटी कोतवाली पुलिस। बस्तर में इंडियन आर्मी में नौजवानों की भर्ती के लिए युवाओं में देखा जा रहा है उत्साह, पूरे बस्तर संभाग से करीब 40,000 युवाओं ने ऑनलाइन किया आवेदन। दतिया में एमपी स्थापना दिवस पर हाईस्कूल में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और तरह तरह के बुंदेलखंड की डिशें बनाकर कार्यक्रम को आकर्षक बना दिया। बस्तर जिले में अब रेत उत्खनन की शुरुआत हो गई है, जिले में कुल 4 रेत खदानें संचालित हो रही हैं, इसके साथ ही एक और रेत खदान शुरू करने के लिए कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। बिलासपुर में शराब के नशे में लड़की के साथ पकड़ाए युवक, नशे की हालत में मिले युवक युवती बैरिकेड को ठोकर मारकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश, तोरबा पुलिस ने की कार्रवाई। नरसिंहपुर जिले में चल रहे अवैध जुए सट्टे, युवा कांग्रेस अब सड़कों पर उतर आई है, युवा कांग्रेस ने नरसिंहपुर एसपी ऑफिस में जाकर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्वालियर में निगम परिषद की बैठक में मौलिक निधि महापौर सभापति 5 करोड़ बढ़ाई गई, तो वहीं पार्षदों की मौलिक निधि 45 लाख के यथावत, प्रस्ताव सर्वसम्मति से हुआ पास, शासन स्तर पर लगेगी अंतिम मुहर। मोला मानपुर में नक्सल प्रभावित मदनवाड़ा गांव में क्षेत्रीय आदिवासियों ने निकाली रैली, रैली में आदिवासी हितों की रक्षा के लिए किया गया आंदोलन, बड़ी संख्या में जुटे क्षेत्रीय आदिवासी। दिल्ली में बढ़ती ठंड के बीच दमघोटू हवा का कहर बढ़ा, दिल्ली एनसीआर ने ओढ़े प्रदूषण की चादर, एक युवाई गंभीर हुआ। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक यूआई 740, आनंद विहार में एक यूआई लेवल बढ़कर हुआ 707, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप चार्ट सिस्टम लागू किया गया, DS6 वाहन के अलावा दूसरे डीजल वाहन के संचालन पर रोक लगाई गई। दिल्ली में विरोध के बाद कल से प्राइमरी स्कूल बंद किए गए, अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर ऑडी 1 फॉर्मूला फिर लाया जा सकता है, अरविंद केजरीवाल ने कहा ऑडी 1 पर विचार। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल को पार्ट टाइम सीएम कहा। आदेश गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल को पार्ट टाइम मुख्यमंत्री बताते हुए स्कूलों को ना बंद करने पर निशाना साधा, कहा कि स्कूलों को बंद ना करके बच्चों की जान से खेल रहे हैं। आदेश गुप्ता बोले 24 घंटे के अंदर 3600 से ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं पंजाब के भीतर हुई हैं, पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल पराली पर ज्ञान देते थे, पराली से बहुत कुछ हो सकता है, हम पंजाब की सत्ता में आएंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। पंजाब में पराली जलाने की घटना की जिम्मेदारी आपने ली, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने ज्वाइंट पीसी करके कहा पंजाब में पराली जल रही है तो इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं क्योंकि वहां पर हमारी सरकार है। अरविंद केजरीवाल बोले ये समय राजनीति का नहीं है और ना ही पराली जलाने के लिए किसान जिम्मेदार हैं, प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं, केंद्र सरकार कदम उठाने चाहिए। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी ने पलटवार किया, मनोज तिवारी और संबित पात्रा ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी, हरियाणा में घटी। संबित पात्रा ने कहा केजरीवाल की नीयत में प्रदूषण है, शराब नीति में प्रदूषण पूरे देश में देखा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिल्ली प्रदूषण का मुद्दा, याचिका में गंभीर प्रदूषण के बीच दिल्ली के स्कूल बंद न करने पर सवाल खड़े किए गए। याचिकाकर्ता ने कहा नोएडा के स्कूल बंद तो दिल्ली के क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार की, 10 नवंबर को होगी सुनवाई।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के चलते ग्राफ की स्टेज 4 लागू कर दी गई है। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों और बच्चों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। गौतम बुद्ध नगर में 8वीं तक के सभी स्कूलों में 8 नवंबर तक ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए आदेश जारी हुए। प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूलों में सभी आउटडोर एक्टिविटीज पर भी रोक लगा दी है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का ऐलान आज हो सकता है। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तीनों नगर निगम के एक होने के बाद पहला चुनाव होगा। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग एमसीडी चुनाव की घोषणा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर के पहले हफ्ते में वोटिंग कराई जा सकती है। चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। नवंबर तक वोटर लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया गया। एमसीडी में 3 निगम मिलाकर कुल सीटें 272 थी, पर तीनों निकाय मिलने के बाद अब कुल 250 वार्ड होंगे, जिनमें से 42 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व। गुजरात में ईसुदान गढ़वी हो सकते हैं आपके सीएम उम्मीदवार। सूत्रों के मुताबिक गुजरात की जनता ने ईसुदान गढ़वी को दिए हैं सबसे ज्यादा वोट। मुख्यमंत्री पद की रेस में पाटीदार नेता गोपाल इटालिया अल्पेश कथेरिया कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए।